on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब अच्छे हो गए, बिकॉज मैं अच्छा नहीं हूँ. मेरी तो लग चुकी है वहट, क्योंकि मेरी कावासाकी Z800 की घूम चुकी है चाबी. मतलब 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं मैं रोड ढूंढ रहा था कि भाई चाबी कहाँ चलेगी. तो मैंने कंपनी कॉल करा, तो मैंने कंपनी पूछा कि चाबी कितने की बनेगी. तो उन्होंने बोला कि चाबी नियर अबाउट 3 से 3,500 रुपये की चाबी होगी. तो हुआ क्या, मैं गया कंपनी और मैंने उनको बोला मेरी चाबी बना दो. और जब मैंने उनको बोला चाबी बनाओ, तो उन्होंने बोला डुप्लीकेट चाबी लेकर आओ. तो डुप्लीकेट चाबी मेरे पास थी नहीं. फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आपके पास डुप्लीकेट चाबी नहीं है, तो आपको अपना लॉक सेट, ECU, इमोबिलाइजर सब चेंज कराना पड़ेगा, विच इज़ कॉस्टिंग मी अराउंड 1.25 लाख रुपीज़. और लिटरली गाइज, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैंने सेकेंड हैंड ली थी बाइक, आई बॉट इट फॉर 5 लाख रुपीज़, और 5 लाख रुपीज़ की बाइक के ऊपर मैंने वैसे ही 40,000 रुपये लगाए थे क्लच प्लेट के लिए. और अब वो कह रहे हैं कि 1.25 लाख रुपीज़ और लगेंगे जस्ट फॉर 2 कीज़ और हर चीज़ चेंज होगी. तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइज कि मैं क्या करूँ. अभी मैंने एक बंदे को बुलाया, तो वो मुझे कह रहा है कि ज़रा अपना ECU दो, वो मेरा ECU लेके जाएगा और ही विल चेक कि इफ़ एनीथिंग इज़ पॉसिबल और नॉट. बाकी देखो, रब भरोसे अभी तो सब कुछ. सो गाइस, जैसे आप देख रहे हो बाइक अभी खुली है. मैंने एक बंदा बुलाया था क्योंकि उनको ECU निकालना था. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा ये हैंडल कैसे खुलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रैबिट होता है. अभी हम इसको ड्रिल करवाएंगे और इसको खोलेंगे. भाई दिस इज क्या बताऊँ, अब वाट लग चुकी है. हेलो गाइस, तो ये अभी हम बाइक लेके जा रहे हैं. हम बाइक लेकर आ गए हैं और बहुत ही दिनों बाद बाइक निकली है, तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करूं, हंसूं कि रोऊं. कचहरी देखी, मस्जिद है वहाँ, मस्जिद के सामने बट. अरे वहाँ पे जहाँ ढाबे हैं, हाँ यहाँ पे तो पास अदर है, वो अदर है. वो ये दरवाजे बनाते हैं ना, दरवाजे साहू जी के पीछे. चलो, सो गाइज, वहाँ पर तो हुआ नहीं काम. अब लेट्स सी यहाँ पर काम होता कि नहीं होता, एंड आई होप हो जाए काम और जल्द से जल्द गाड़ी ठीक. अब लिटरली बहुत लोग कहेंगे कि साहिब भाई तुम्हारा इतना नुकसान हो गया और तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे हो. तो गाइज, मेरा ऐसा सीन है यार, मैं परेशान होता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं परेशान होऊंगा तो मैं क्या करूँगा परेशान होकर, है ना. मतलब रैदर देन बींग गेटिंग वरीड और समथिंग, उल्टा अपने आगे फ्यूचर पर फोकस करो, ताकि यू कैन डू समथिंग प्रोडक्टिव, है ना. अब कुछ अच्छा काम करूँगा, वहाँ से कमाऊँगा, कुछ करूँगा और फिर उसके बाद यहाँ पे लगाऊँगा. तो ऐसा कोई सीन नहीं है. बाकी हम काम करवा रहे हैं, एक व्लॉग का टॉपिक ही मिल चुका है ना. तो अब इसका लॉक सेट कटेगा और ये जो लॉक सेट है और ECU है, ये जाएगा जिस बंदे को मैंने बोला हुआ है. अगर वहाँ से नहीं होता तो आई हैव वन मोर ऑप्शन, आई विल सेंड दिस लॉक सेट एंड ECU टू मेलबर्न. फिर मेलबर्न में एक बंदा है, वो ऑस्ट्रेलिया में, वो मुझे करेगा और मेरे को यहाँ पर भेजेगा. सो लेट्स सी. सो फाइनली केम बैक फ्रॉम जिम और गाइज, चिकन कुक कर रहा हूँ. और मतलब दिन में 2 बार चिकन कुक करता हूँ और खुद करता हूँ, बाकी एग्स हो गए, बॉइल हो गए. एग्स बॉइल नहीं करता, एग्स मैं बाहर से प्रेफर करता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है किचन में. बाकी चिकन यहीं पर कुक करता हूँ और चिकन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनता है. और अगर आप चाहते हो कि मैं चिकन की रेसिपी शेयर करूँ, तो गाइज डू कमेंट और मैं आपको जो जिम वाली डाइट होती है, जो चिकन की रेसिपी होती है, वो शेयर करूँगा. बिकॉज मैंने एक वीडियो के लिए बहुत सारा वेट गेन करा है, सो फाइनली आई एम लूजिंग वेट नाउ. मैंने 25 किलो गेन करा एक वीडियो के लिए और वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है. तो नाउ आई हैव स्टार्टेड लूजिंग और फाइनली वीडियो आ जाएगी और 3 महीने में 25 किलो लूज करना है. सो गाइज, इफ यू वॉन्ट माई डाइट, नीचे कमेंट करो कि मतलब हाउ टू कुक चिकन. हेलो सर्जन, कैसा है भाई? ये मेरा भाई थोड़ा नाराज़ है, बिकॉज वो मेरे को कह रहा था भाई चिकन खिला दे, तो मेरे पास लिमिटेड चिकन ही था, क्योंकि यार डाइट का आपको पता है 100 ग्राम चिकन होता है. तो आई नीड टू, मतलब आई कांट सैक्रीफाई माई डाइट यार. मतलब भाई को कहता हूँ कि तू कहीं और से ले आ, लेकिन यार अपनी डाइट नहीं दे सकता, आई एम सॉरी. चाहे कोई भी हो, डाइट नहीं शेयर करनी चाहिए जिम वाली. एंड आपको पता है गाइस, जब से मैं हेल्दी हुआ हूँ, एक तो यार
मतलब भूख कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो गया बिकॉज ईटिंग हैबिट चेंज हो गई है. और मैंने पास्ट 2-3 महीने से कपड़े शॉप नहीं किया. मैंने जूते बहुत शॉप करे हैं पर मैंने कपड़े शॉप नहीं करे क्योंकि यार मैं जब भी कोई कपड़ा पहनता हूँ आई डोंट फील कॉन्फिडेंट इन दैट. जैसे क्योंकि पहले मैं कपड़ा पहनता था मेरे को लगता था कि भाई क्या कपड़े हैं क्या है. अब मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं आजकल फोटोशूट्स भी नहीं करा रहा, तो मैं विद इन 2 महीने प्रॉपर फिजिक में आ जाऊँगा. उसके बाद भाई धैड़ पैड फोटोशूट धैड़ पैड़ शॉपिंग. मतलब मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ अगर मेरा फिजिक होना है एंड इफ आई गो टू ज़ारा और मेरे को 2-3 लाख रुपए का सामान भी पसंद आ जाए तो मैं वो तक खरीद लूंगा बिकॉज आई जस्ट लव शॉपिंग. और अब मैं जो अब जाता हूँ ना शॉपिंग करने कपड़े पहनता हूँ यार अच्छे नहीं लगते. चलो कोई बात नहीं, बाकी आप लोगों की विशेष सी है नीचे कमेंट मारोगे साहिब भाई जल्दी से पतले हो जाओ, हैशटैग साहिब भाई जल्दी से पतले हो जाओ है ना, ताकि मुझे को मोटिवेशन मिलती रहे. और मैं सोच रहा हूँ कि यार अब जिम भी जाऊँगा ना तो जिम भी कैमरा लेके जाऊँगा तो आप लोगों को पता लगेगा कि मैं डेली लाइफ में क्या करता हूँ. और अब दोस्तों को मिलूंगा और अभी टीना भी मुझे मिलेगी कल वाले ब्लॉग में, मैं टीना को भी लेकर आऊँगा, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है. और ये मेरा क्यूट सा बंदर, बाकी अभी मैं चिकन खाऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बस है. और मैं वो खिला तो नहीं खाऊंगा ना, बाकी आप देखना मुझे खाते हुए. चलिए गाइस मेरा चिकन आ चुका है एंड आई एम ईटिंग इट. तो गाइस कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, बस ऐसी सपोर्ट करते रहो प्यार देते रहो, तब तक आप भी कुछ खाओ और मैं भी कुछ खाता हूँ. ओके गाइस लव यू एंड यस 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 वन मोर थिंग गाइज गाइज जैसे आपको पता है हमारी कंट्री में रेप चल रहे हैं क्या क्या चल रहा है, तो उसके कॉज में उसके सपोर्ट में मैंने एक वीडियो बनाई है अपने मेन चैनल पे. तो गाइज नीचे लिंक दिया गया है तो गाइज आप उस वीडियो पे जाओ और वीडियो देखो और अपने नीचे थॉट जरूर कमेंट करना चाहिए कि जो ऐसे रेपिस्ट हैं और ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को ईटीज करते हैं लड़कियों को परेशान करते हैं जिनके चक्कर में लड़कियां बाहर नहीं जा पाती उनके साथ क्या होना चाहिए गाइज प्लीज़ ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नीचे जाना और उस वीडियो के नीचे कमेंट करना गाइज. लव यू गाइज़.